सिटी हॉस्पिटल निर्माणाधीन है उसकी तैयारियों का जायजा लेने, उसका निरीक्षण करने हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य सचिव और यहाँ के डीन सबके साथ में हम लोग आए हैं और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि अगले एक महीने में ये हॉस्पिटल रेडी होगा और यहाँ पर 7 विभागों की सुपर स्पेशलिटी इलाज होंगे और ये सेंट्रल इंडिया का एक सबसे अच्छी सुविधाओं वाला हॉस्पिटल होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को जो राज्य से बाहर अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है, यहाँ का आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी सुविधाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जैसी तैयारियाँ चल रही है, जिस प्रकार के इक्विपमेंट यहाँ पर लाए जा रहे हैं और जैसी हमको जानकारी दी है, ये हॉस्पिटल हमारे हिंदुस्तान के अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में ये अपना एक स्थान बनाएगा। सुझाव दिए आप लोगों ने देखने के बाद? निश्चित रूप से हमने कुछ सुझाव दिए हैं कि जैसे पेशेंट्स आएंगे तो पेशेंट्स के जो रिश्तेदार हैं उनके रुकने के लिए कहीं पर व्यवस्था होनी चाहिए, जो पेशेंट्स आते हैं उनको गाइड करने के लिए PRO सीट की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में जो हम इसको पूरी तरह आम जनता और गरीबों के लिए इस हॉस्पिटल को बना रहे हैं, साथ में हम इसमें कुछ ऐसी अर्निंग की स्थिति है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो अगर इलाज के लिए आते हैं तो उनके लिए भी इस विशेष व्यवस्था यहाँ पर हो और प्राइवेट वार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर बनाए जाए। तो हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ के लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, साथ में सेंट्रल इंडिया के लिए। स्वास्थ्य मंत्री खुश नजर नहीं, अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, किस तरह की? ये नेचुरल है, ये जो है आज ये निर्माणाधीन है, जब निर्माणाधीन होता है तो कोई भी जो विभाग के प्रमुख होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, उससे डिफरेंट एजेंसियों से वो बात कर और उनको समझाइश दे रहे थे कि जल्दी से उसको पूरा करें।